तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं फॉर ए गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तुम देखोगे यहाँ से, तो ये एक्स है और ये वाई है। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे ये वाली चीज़, यहाँ से एक एंगल हमने लिया थीटा, तो ये थीटा लिया तो ये वाली प्रोजेक्टाइल कहीं यहाँ पर लैंड करेगी, तो हमने दूसरा थीटा लिया तो वो यहाँ पर लैंड करेगी। नहीं, सेम थीटा लिए लेकिन इसमें इनिशियल वेलोसिटी u1 लिए होंगे, इसमें u2 लिए होंगे, तो ये रेंज r1 है ये कह रहे हैं, और दूसरा जो रेंज है वो r2 है। तो ये भी बताया जा रहा है कि r2 जो है वो टू टाइम्स r2 जो है वो टू टाइम्स r1 के है, और इसमें टाइम अप्लाइड t1 लगा होगा, इसमें टाइम अप्लाइड t2 लगा होगा। तो टाइम अप्लाइड t2 हमें निकालना है, t1 का कितना गुना हो जाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कंडीशन दिया हुआ पहले उसको सॉल्व करते हैं। रेंज वाला, रेंज रेंज क्या होता है, टू टू टाइम्स u2 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और ओवर यहाँ से g बराबर होगा यहाँ से टू टाइम्स और u1 स्क्वायर साइन थीटा यहाँ से कॉस थीटा और यहाँ पर तुम g से डिवाइड कर दो बच्चों। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सब खत्म हो गया, तो यहाँ से u2 स्क्वायर की जो वैल्यू है टू टाइम्स u1 स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि u2 अपॉन u1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो √2 आ जाएगी। ये तो अब तुम देखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t1 इक्वल टू होता है टू यू साइन थीटा ओवर जी। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोपोर्शनल है इनिशियल वेलोसिटी u के। इसका मतलब ये हुआ कि t2 अपॉन t1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो u2 अपॉन u1 की आ जाएगी, और u2 अपॉन u1 पहले से √2 निकालते हो, t2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स t1। इसका मतलब ये हुआ कि अपना t2 जो है वो √2 टाइम्स t1 होगा, मतलब सी ऑप्शन मैच कर जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।